Good morning, children. So, in our last session, we discussed about freedom fighters of our India. Hai na? So, today we will start discuss some famous monuments of Gujarat. So, let's begin with Jhulta Minar. Siddhi Bashir Mosque is a former mosque in the city of Ahmedabad, Gujarat. Only the central gateway and two minarets survive. They are known as Jhulta Minar or शेकिंग मीनार आपने झूलता मीनार के बारे में सुना होगा इट इज़ इन अहमदाबाद नियर रेलवे स्टेशन ओके जो हमारा रेलवे स्टेशन है कालूपुर रेलवे स्टेशन उसके पास में है तो जो झूलता मीनार है इट वॉज़ पार्ट ऑफ सिद्दी बशीर मॉस्क जो मस्जिद है उसका पार्ट था अब जो उसके अब जो उसका पूरा पार्ट है उसमें से सिर्फ ये झूलते मीनार मतलब दो मीनार और सेंट्रल गेटवे बचा है मीनार मीन्स क्या बेटा पिलर ओके okay? पिलर्स सो so, उसको किसने बनाया था लेट्स सी द हिस्ट्री बिहाइंड इट द मॉस्क इज़ बिलीव टू हैव बिन कंस्ट्रक्टेड इधर बाय सिद्दी बशीर अ स्लेव ऑफ सुल्तान अहमद शाह और बाय मलिक सारंग अ नोबल इन द कोर्ट ऑफ महमूद बेगड़ा अनदर सुल्तान ऑफ़ गुजरात इट हैज़ बिन डिटेड इट इज़ नॉट क्लियर कि किसने बनाया आइदर वो सिदी बशीर जी ने बनाया था और महमूद बेगड़ा ने बनाया था ठीक है ये कब बना था वहाँ पे डेट लिखिए 1452 फिफ्टी टू ऑल दो द स्टाइल एंड मटीरियल ऑफ द मिनारेट्स पॉइंट टू द क्लोज ऑफ महमूद बेगड़ाज रीन और लेटर है ना कन्फ्यूजन है लेकिन जो उसकी स्टाइल है पिलर की स्टाइल है जो मटेरियल यूज़ किया है वो जो थे वो महमूद बेगड़ा के टाइम पे यूज़ करते थे जब वहाँ पे कोई पिलर्स या कुछ बनते थे कुछ ऐसा मोनूमेंट बनता था तो तो यूज़ करते थे लेकिन अभी किसी को किसी को क्लियर नहीं है कि सच में सिर्फ महमूद बेगड़ा ने बनाया है या फिर सिद्धि बाशीर जी ने बनाया है द बॉडी ऑफ द बिल्डिंग वॉज डिस्ट्रॉयड इन सेवनटीन फिफ्टी थ्री ड्यूरिंग द वॉर बिटवीन द मराठाज एंड द खान ऑफ़ गुजरात सल्तनीत ओनली टू मिनार्ट एंड द आग की सेंट्रल गेट वे कनेक्टिंग दैम रिमेन ठीक है तो पहले क्या था वो पूरा एक बड़ा एक अच्छे से बना हुआ था एक फुल फर्निश्ड मोन्यूमेंट था जो सिदी बाशिर मॉस्क से जुड़ा हुआ था लेकिन जब वॉर uh, हुई है ना जो वॉर मराठा और गुजरात सल्तनत के बीच में जो वॉर हुई उसकी वजह से उसके लड़ाई की वजह से क्या हुआ सिर्फ ये दो मीनार और वो जो आग्ड गेटवे है वही बच गया और वो जो है सीधी बशीर मौस से डिवाइड हो गया ठीक है नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट मिनार्ट्स वो पिलर है उसके बारे में बात करते हैं द मिनारट्स आर द लॉलेस्ट इन अहमदाबाद एंड आर नाउ लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन दो मच डैमेज स्पेशली नियर द फुट द स्टेयर्स इनसाइड द मिनारेट्स मे स्टिल बी यूज ठीक है वो काफ़ी डैमेज हो चुके हैं पिलर्स लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग जाते हैं देखने के लिए उसको वहाँ के जो स्टेयर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं टू क्लाइम ऑन द मिनार मिनारेट्स आर थ्री स्टोरी स्टॉल विद कार्व्ड बालकनीज बालकनीज हैं उस मीनार मीनार में ठीक है अ जेंटल शेकिंग ऑफ इदर मिनारेट रिजल्ट इन द अदर मिनारेट वाइब्रेटिंग आफ्टर अ फ्यू सेकेंड अगर आप एक मीनार को हिलाओगे हल्का सा हल्का सा उनको हिलते हैं तो क्या होगा दूसरी मीनार भी कुछ सेकेंड के बाद वो भी हिलने लगती है ठीक है दो द कनेक्टिंग पैसेज बिटवीन देम रिमेन्स फ्री ऑफ वाइब्रेशन मतलब दोनों के बीच में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कि एक का वाइब्रेशन है और दूसरे के पास जाए है ना अगर मान लो कि आप दोनों आप दो बच्चे हो और दोनों बहुत दूर खड़े हो अगर मैं एक को अगर हिलाऊंगी दूसरा हिलेगा नहीं लेकिन यहाँ पे ये क्यों है ऐसा किसी को पता नहीं है द मैकेनिज्म ऑफ दिस इज़ नॉट नोन ऑल दो द लेट कंस्ट्रक्शन इज थॉट टू बी अ फैक्टर मीन्स देर इज सम समर इज वन आर्किटेक्चरल मेथड जिसको उन्होंने बोला लेट कंस्ट्रक्शन वो सोचते हैं कि शायद से वो है लेकिन अभी तक किसी को क्लियर नहीं है कि वो ऐसा क्यों होता है The phenomenon was first observed in the 19th century by Monier M. Williams, an English Sanskrit scholar. The minarets are able to withstand fast-moving trains passing close by. है ना अगर स्टेशन के पास में है तो ट्रेन्स भी जाती हैं, ट्रेन्स की वाइब्रेशंस भी होती हैं, but फिर भी वो पिलर्स जो हैं अभी भी इतने अच्छे से खड़े हैं. ठीक है दिस इज ऑल अबाउट आवर झूलता मीनार यू शुड गो एंड सी इट इज़ वेरी नियर टू वडोदरा नो अहमदाबाद दो घंटे का रास्ते रास्ते में यू शुड गो देर एंड सी दिस मॉन्यूमेंट नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट भुजिया फोर्ट भुजिया फोर्ट इट इज लोकेटेड इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन ऑफ भुज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कच्छ गुजरात ओके okay? भुजिया फोर्ट और भुजिया, भुजिया फोर्ट कहाँ पर है भुजिया पे है माउंटेन है ना हिल्स जो होते हैं द फोर्ट इज बिल्ड अ टॉप भुजिया हिल ओवर लुकिंग द टाउन तो ये भी बहुत एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे यू कैन गो एंड विजिट भुजिया फोर्ट जो है वो आउटस्कर्ट एरिया मतलब भुज, जो भुज है उसके आ, बाहर की तरफ है बाहर, बाहर के एरिया में है वहाँ पर जो आ, भुजिया डूंगर है जो भुजिया माउंटेन है उस पर वो भुजिया हिल है उस पर सिचुएटेड है ओके सो नाउ लेट्स सी द हिस्ट्री बिहाइंड इट द फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर द डिफेंस ऑफ द सिटी बाय जाडेजा चीफ्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ भुजिया फोर्ट वॉज स्टार्टेड बाय राव गॉडजी वन रूलर ऑफ़ किंगडम ऑफ कच एज ए सॉर्ट ऑफ आउटवर्क डिफेंस फॉर भुज ठीक है तो भुजिया जो फोर्ट था वो क्यों बनाया गया था ताकि वो एक आउटस्कर्ट एरिया में था ताकि वहाँ पे रह के जो एनिमीज हैं उनसे अपने दे, अपने जो स्टेट अपनी जगह की जो है है ना उसकी रक्षा कर सके वहाँ से दे देव उनको पूरे बहुत दूर तक का व्यू दिखता था है ना तो इससे क्या होता था कि दे दे आर एबल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एनिमी तो ये किससे किसने बनाया था जाडेजा चीफ ने बनाया था हाउ एवर द मेजर वर्क एंड कंप्लीशन वॉज डन ड्यूरिंग द रूल ऑफ सन देशल जी हिल वॉज फोर्टिफाइड एज अ फर्दर एड टू द डिफेंस ऑफ द कैपिटल भुज देवकरण शेठ दीवान ऑफ कच्छ ड्यूरिंग देशल जी आई देशल जी वन टुक द लीड इन फोर्टिफाइंग द हिल तो जो गौरजी वन ने उन्होंने स्टार्ट कर उन्होंने अच्छे से बनाना चालू किया फिर लेकिन जो पूरा अच्छे से काम था जो मेजर वर्क था वो उनके बेटे देशल जी वन ने बनाया और उनके जो दीवान दीवान ऑफ जो कच्छ थे देवकरण शेठ उन्होंने उसको और मजबूती दी थी। ठीक है ताकि वो हिल पे अच्छे से खड़ा खड़े रह सके द फोर्ट हैज़ सीन सिक्स मेजर बैटल सिंस इट्स कंस्ट्रक्शन कितना स्ट्रॉन्ग होगा वो है ना कि वहाँ पे सिक्स मेजर बैटल्स हो रखे वहाँ पे हुए थे मोस्ट ऑफ विच वर फॉर्ड इन द ईयर सेवनटीन हंड्रेड टू एटीन हंड्रेड ए डी बिटवीन द राजपूत रूलर्स ऑफ कच एंड मुस्लिम रेडर्स फ्रॉम सिंध एंड द मुगल रूलर्स ऑफ गुजरात द फर्स्ट मेजर बैटल एट भुजिया फोर्ट वॉज फॉट ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ रेन ऑफ देश एल जी वन वैन शेर बुलंद खान हु वॉज मुगल मुगल वाइस रॉय of gujarat at that time invaded kutch ठीक है तो जो पहला बैटल था वो देशल जी और शेर शेर बुलंद खान के साथ हुआ था जो कि मुगल के, के वाइस थे है ना तो उस टाइम के थे उन दोनों के बीच में पहले पहले लड़ाई हुई थी द आर्मी ऑफ कच वॉज इन अ प्री कैरियस कंडीशन वैन अ ग्रुप ऑफ नाग बावर्स गॉड द गेट ऑफ़ भुजिया फोर्ट ओपनिंग थ्रू अ स्ट्रेटेजम ऑन प्रोटेक्ट ऑफ विजिटिंग नाग टेम्पल फॉर वॉरशिप एंड देन ज्वाइन इन द फ्रे अगेंस्ट शेर बुलंद खानस आर्मी पुटिंग देम टू फ्लाइट ओके तो क्या हुआ कि अब मतलब आर्मी जो कच्छ की आर्मी थी मीन्स ऑलमोस्ट वो क्या था कि हारने वाली थी वो है ना शेर बुलंद खान की आर्मी से हारने वाली थी तभी जो नागा जो ट्राइब है वो वहाँ पे आए उनको एक ना जो नाग टेम्पल है वहाँ पे भुजा फोर्ट में एक नाग टेम्पल है फेमस नाग टेम्पल है वहाँ पे वो उनकी पूजा करने के लिए आए थे फिर उन्होंने क्या किया कि वो उनके साथ जो कच्छ की आर्मी के साथ जॉइन होकर के उन्होंने शेर शेर बुलंद खान को वहाँ से भगा दिया सिंस दैट डे नाग बाबा एंड देयर लीडर हैव हैड अ प्लेस ऑफ इम्पोर्टेंस इन अ प्रोसेशन हेल्ड ऑन नागपंचमी तो अब हर नागपंचमी में वहाँ पर मतलब बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है वहाँ पर जाकर के पूजा करना ठीक है द ब्रिटिश कर्नर William Coy took over the fort in 1819 when Kutch accepted the suzerainty of the British. तो Kutch ने क्या किया? मतलब British uh, Empire में, British rule में, उन्होंने Britishers की जो जो rule है, leader uh, leadership पे वो accept कर ली 1819 पे तो वहाँ पे जो William Coy थे, उन्होंने वो fort को ले लिया। The fort has been under occupation of Indian Army after the independence of India in 1947. कुछ दिनों तक फोर्ट जो है वो आर्मी हमारी जो इंडियन आर्मी है उसके अंडर भी थी वहाँ पे उनका आ, वहाँ पे वो उनका कैंप था है ना, ना आफ्टर दी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 फिर उसके बाद आर्मी को एक नया कैंपस मिला तो उसके बाद उन्होंने उस फोर्ट को छोड़कर उधर चले गए ओके तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर भुजिया डूंगर अभी क्या है कि इट इज़ नॉट इन वेरी गुड कंडीशन थोड़े थोड़े टू उसके पार्ट्स टूटे हुए तो गवर्नमेंट इज़ नाउ मेकिंग प्लान फॉर इट्स रिस्टोरेशन ओके सो यू कैन गो एंड सी दैट ऑल्सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस ओके नाउ नेक्स्ट इज अवर सन टेम्पल विच इज़ इन मोडेरा ओके सन टेम्पल इज़ अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू द सोलर डीटी सूर्य लोकेटेड एट मोडेरा विलेज ऑफ मेहसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात इंडिया इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर पुष्पावती ओके पुष्पावती जो न, नदी है उसके आ, उसके किनारे है ये आ, मंदिर It is, it was built after 1026 to 27 CE during the reign of Bhim 1 of the Chalukya dynasty. No worship is offered now and protected monument maintained by Archaeological Survey of India. Okay, तो इसको किसने बनाया था? Chalukya dynasty के Bhim I जो थे, Bhim I, the first थे, उन्होंने बनाया था। अब जो है यहाँ पे पूजा नहीं होती है, यहाँ पे sun Uh, सूर्य की पूजा नहीं होती है ना इट इज अ पार्ट ऑफ आर्कियोलॉजिकल डाइने सर्वे ऑफ इंडिया ओके सो देर आर मैनी चैम्बर्स इन द टेम्पल ओके इसका बहुत डीप में है लेट्स गो टू द हिस्ट्री कि किसने बनाया था और क्यों द श्राइन प्रॉपर ऑफ द सन टेम्पल वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ भीम वन ऑफ चालू के डायनेस्टी अर्लियर ड्यूरिंग हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी फाइव महमूद ऑफ गजनी हैड वेडेड भीम आज किंगडम And a force of around 20,000 soldiers had unsuccessfully tried to check his advance at Modera. Historian A. K. Majumdar theorizes that the Sun Temple might have been built to commemorate this defense. क्या हुआ था किसने बनाया था भीम वन है ना तो उससे पहले क्या था कि 12425 के टाइम पे महमूद गज़नी ने भीम भीमा के जो किंगडम है वहाँ पे उसने अटैक किया था बीस हज़ार सोल्जर्स थे उसके पास उसने उसके साथ अटैक किया लेकिन इन लोगों ने उसको अंदर मोडेरा में घुसने ही नहीं दिया महमूद गज़नी को घुसने नहीं दिया तो ऐसा भी बोलते हैं कि जो ए के है ना इतिहास जो जो हिस्ट्री लिखते हैं है ना तो उन्होंने ऐसा बोला कि मे बी सन टेम्पल उसी की याद में बनाया कि येस दिस सन टेम्पल इज़ कैन से मोमेंटो ऑफ विक्ट्री है ना ऑन अ ब्लॉक इन वेस्टर्न वॉल ऑफ सेला देयर इज़ एन देवनागरी नो अदर डेट इज फाउंड एज द इंस्क्रिप्शन इज अप साइड डाउन इट एविडेंस इज द डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द से तो क्या बोलते हैं कि जो वहाँ पे एक दीवार है वहाँ पे जो कभी ये बना था ये मंदिर वो 120, 26, 27 लिखा हुआ है वहाँ पे और वो भी उल्टा लिखा हुआ है उल्टा तो कभी कोई लिखता नहीं है है ना अगर आप तोड़ करके वापस लगाओ तो उल्टा हो सकता है तो ऐसा बोलते हैं कि ये मंदिर को एक बार तोड़ करके वापस से बनाया हुआ ऐसा ऐसा लगता है ड्यू टू दैट अपसाइड डाउन रिटर्न इन ओके no other date is found okay it is not firmly considered as a date of construction on the stylistic ground it is known that the kund with its corner shrines was built earlier at the beginning of the 11th century means bana mandir iska proper evidence okay the inscription is rather considered as a date of destruction of ghazni instead of कंस्ट्रक्शन मे बी वहाँ पे जो डेट है वो इसलिए वो डेट जब गजनी को वहाँ से भगाया गया था शायद वो डेट लिखी हो वहाँ पे है ना सो द डांसिंग हॉल वॉज एडेड मच लेटर इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द ट्वेल्थ सेंचुरी अलॉन्ग विद द गेट वेज फिर जो ट्वेल्थ सेंचुरी में वहाँ पे एक डांसिंग हॉल भी उस मंदिर में ऐड किया गया अभी जब उत्तरायण आता है तो वहाँ पे एक क्लासिकल डांस फेस्टिवल भी होता है प्रोग्राम भी वहाँ पे होता है अभी भी होता है द पोर्च ऑफ द टेम्पल प्रॉपर एंड द डोर फ्रेम्स ऑफ द टेम्पल एंड द सेलर ड्यूरिंग द रीन ऑफ कर्ण कर्ण को कर्ण के बारे में आपने सुना होगा महाभारत में तो उनके टाइम पे ये इस मंदिर को और ज़्यादा उसको कंस्ट्रक्ट किया उसको और प्रॉपरली उसको बनाया गया ठीक है तो इट इज़ ऑल्सो इट इज़ नियर टू दडोदरा ओनली है ना मोडेरा में है तो यू कैन गो एंड विजिट नाउ नेक्स्ट इज आवर लोथल लोथल आपने सुना है हमारे सौराष्ट्र रीजन में है सौराष्ट्र रीजन के पास में है लोथल इज़ लोकेटेड बिटवीन द साबरमती रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी भोगावो इन द सौराष्ट्र रीजन ओके द सी इज़ टूडे नाइनटीन किलोमीटर अवे फ्राम लोथल बट एट वन टाइम वोट फ्राम गल्फ ऑफ कैम्बे कुड हैव सेल राइड अप टू दॉट ओके तो हम क्या बोलते हैं लोथल लोथल इज़ द ओल्डेस्ट यू कैन से ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ दिस इंडिया ओके स्पेशली फॉर गुजरात इट इज़ द ओल्डेस्ट पोर्ट ओके तो यहाँ पे क्या था कि uh, अभी क्या है सी जो है वो माइग्रेट कर गई है नाउ इट इज़ नाइनटीन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द लोथल लेकिन एट वन वन टाइम जो था लोथल जब था वो एक पोर्ट था वहाँ पे शिप्स रुकती थी ओके okay?

योर एस एस ओके इन सिक्स और सेवेंथ यू यू विल गेट थ्रू इट कि वॉट हुर हरप्पन्ट आर देयर सिस्टम एंड ऑल ठीक है तो ये जो ये जो लोथल है वो हरप्पा हरप्पन सिविलाइजेशन का ही एक एग्जाम्पल है ठीक है तो साबरमती जो वैली है साबरमती वैली को डिक करते करते जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन लोगों ने ये फाइन किया ओके okay? सो uh, so, वॉट यू कैन सी देर देर इज मैनी थिंग्स टू टेल यू अबाउट बट अभी आपको उतना समझ में नहीं आया क्योंकि ये पूरा जो है आप सेवेंथ एट्थ में पढ़ोगे पहले टर्म्स पढ़ोगे दैन ओनली यू विल भी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली ठीक है सो वी विल सी कि आप वहाँ पर अगर जाओ तो क्या क्या देख सकते हो वहाँ पर आपको वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम दिखेगी मीन पहले कहते हर अभी देखो मॉडर्न एज है है ना मॉडर्न हमारे प्रॉपर हमारे पास दिस टॉयलेट्स हैं घर है सब कुछ है हमारे पास ठीक है स्ट्रीट्स प्रॉपर हैं तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे दिखेंगी मीन्स जो उस टाइम पे भी है ना उस टाइम पे भी जो हरप्पन सिविलाइजेशन था वो बहुत ही अच्छे से ये सब कुछ बनाता था है ना मतलब उनका पूरा एक प्रॉपर सिस्टम था वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा तो यू शुड गो देयर एंड सी वहाँ पे कैसे वो लोगों को लोगों के रिमेन्स को जो डेड बॉडीज है कैसे उसको डिकम्पोज uh, करते थे बरी करते थे या क्रीमेट करते थे वो सब आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा सो दिस इज ऑल अबाउट योर फोर्थ साइड दैट इज ओके चिल्ड्रन सो फिफ्थ वन इज चांपानेर है ना जहाँ पावागढ़ है हमारा चांपानेर इज अस्टोरिकल सिटी ऑफ द स्टेट गुजरात इन वेस्टर्न इंडिया इट इज लोकेटेड इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट हमारा जो पावागढ़ और चांपानेर है वो कहाँ पर है पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में एंड इट इज

decided to attack Champagne and started towards it with his army on 4th December 1482 तो अब हमने था के बारे में। किस में पढ़ा था झूलती मीनार में है ना तो उन्होंने क्या किया कि जो चौहान राजपूत लोगों ने पावागढ़ जो किला है पावागढ़ किला के सब, सब गए हो ना वहाँ पे तो उन्होंने वो बहुत ऊँचा ऊँचा बनाया चांपा टाउन से और फिर जो जो सुल्तान था गुजरात का महमूद बेगड़ा उसने क्या किया उसको चांपानेर पे अटैक करा था तो उसने 1482 एटी टू में अपनी आर्मी के साथ अटैक किया और फिर चाम्पा ने को आ, डिफीट कर दिया मतलब हरा दिया सो महमूद कैप्चर द टाउन एंड बी पावागढ़ द वेल नोन हिल फॉर रेस अबव चापानेर वे हैड टेकन हाँ रेफ्यूजी तो क्या किया फिर उसने? उसने आर्मी को हराने के बाद महमूद कैप्चर उन्होंने क्या किया कि पावागढ़ को चारों तरफ से घेर लिया जहाँ पे जो उनके राजा थे वहाँ पे है ना जो चांपा के राजा थे जय सिम्हा वहाँ पे वो छुप के बैठे थे तो 20 महीने तक उन लोगों ने वहाँ पे घेराबंदी करने के बाद फाइनली उन्होंने पावागढ़ को उन लोगों ने कैप्चर कर दिया किसने महमूद बेगड़ा ने कैप्चर किया और फिर उसने तेईस साल तक वापस से चम्पानेर को पूरा अच्छे से बनाया वाप उसका नाम रख दिया मोहम्मदाबाद ठीक है चम्पानेर को मोहम्मदाबाबाद बाद में बोलते हैं एंड उसके बाद आफ्टर विच ही मूव द कैपिटल देयर फ्रॉम अहमदाबाद फिर वहाँ से वो अहमदाबाद चला गया सुल्तान बेगड़ा ऑल्सो बिल्ड मैग्निफिसेंट जामा मस्जिद इन चांपानेर आपने देखा होगा चांपानेर में जामा मस्जिद भी है कितने फाइनली उसको बनाया गया है ना इट इज एन इम्पोजिंग स्ट्रक्चर ऑन हाई प्ले विदेंट्रल डोम टू मिनारेट थर्टी मीटर इन हाइट वन सेवन पिलर सेवन ट्रेंस गेट्स विद फाइन लेटेस्ट विंडोज कॉल्ड जालीस आपको वहाँ पे जाना चाहिए अगर आप जाते हो पावागढ़ बहुत लोगों ने देखा भी होगा है ना जामा मस्जिद को देखा भी हो कितना सुंदर से कार्व जो उसकी जो एंट्रेंस है कितनी सुंदर है जालियों की तरह उनकी जो विंडो एकदम जाली है है ना पिलर्स है वहाँ पे कितने वन सेवेंटी टू पिलर्स हैं और उसकी जो जो मीनार है वो थर्टी मीटर हाइट की है ठीक है और इसको क्या है चांपा को आज um, जो टुडे इट इज़ कंसिडर्ड एज दी आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको मानते हैं आर्कियोलॉजिकल पार्क भी है वो ठीक है तो यू शुड गो देयर एंड विजिट सो दिस इज़ ऑल अबाउट सम प्लेसेस सम सम मॉन्यूमेंट्स ऑफ गुजरात ओके सो नाउ इट्स योर होमवर्क दैट यू हैव टू डिस्क्राइब इन एटलीस्ट 10 sentences about any monuments of india it can be of gujarat it can be out of gujarat but it is from the india only okay thank you